तो दोस्तों आज हो गई है 15 जुलाई और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, राष्ट्रपति चुनाव के लिए भाजपा कर रही है विधायकों की खरीद फरोख्त। द्रौपदी मुर्मू को वोट करने पर विधायकों को 50 लाख से 1 करोड़ का ऑफर और वहीं मंत्री पद का भी ऑफर दिया जा रहा है। भाजपा की तरफ से क्या कुछ है पूरा मामला खबर बताते चलें। राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर गंभीर आरोप लगा दिए गए हैं। कांग्रेस के विधायक उमंग सिंघार ने राष्ट्रपति चुनाव पर बातचीत करते हुए एक न्यूज चैनल को दिए बयान में यह दावा किया है कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार घोषित की गई द्रौपदी मुर्मू को वोट करने के लिए कांग्रेस विधायकों को 50 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का ऑफर दिया है। विधायक उमंग सिंघार के द्वारा किए गए इस दावे के बाद मध्य प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी इस संबंध में बयान देते हुए बीजेपी के इस रवैये को निराशाजनक बताया है। और वहीं कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो राष्ट्रपति भी खरीद फरोख्त करके बनाने पर तुली है। इस दौरान कांग्रेस ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी विधायक पूरी निष्ठा के साथ यूपीए की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए गए यशवंत सिन्हा को ही वोट करेंगे। ये यहां पर खबर सामने निकल के आई है जहां पर देख सकते हैं कि भाजपा राष्ट्रपति के चुनाव में भी विधायकों की खरीद फरोख्त करने में लगी हुई है और लोकतंत्र की कर रही है हत्या। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, पटना एसएसपी ने पीएफआई की तुलना संघ से की है, बोले आरएसएस की शाखा की तरह दे रहे थे ट्रेनिंग, भड़की है भाजपा और वहीं विपक्ष ने किया है समर्थन। खबर बताते चलें, पीएफआई से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना करके पटना के एसएसपी ने एक यहां पर नया विवाद शुरू कर दिया है। एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने कहा है कि जैसे आरएसएस की शाखा में ट्रेनिंग दी जाती है उसी तरह पीएफआई भी अपने लोगों को शारीरिक प्रशिक्षण और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देती है। इसी बयान पर भारतीय जनता पार्टी अब आग बबूला हो गई है और पूरी तरह से बौखला गई है और एसएसपी को हटाने की मांग कर रही है। और वहीं आरजेडी और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा एसएसपी के समर्थन में उतर आई है और उनके बयान का यहां पर समर्थन किया है। ये यहां पर पूरा मामला पटना से सामने निकल के आया है। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं, विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा राष्ट्रपति चुनाव में भी बीजेपी चला रही है ऑपरेशन कमल, लगाया है गंभीर आरोप। खबर बताते चलें, विपक्षी दलों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के चुनाव में खरीद फरोख्त में शामिल होने का आरोप लगाया है और इसकी जांच की मांग की है। उन्होंने दावा किया है कि भगवा पार्टी ऑपरेशन कमल चला रही है जिसके तहत वह अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए कथित तौर पर गैर भाजपा विधायकों को बड़ी रकम की पेशकश कर रही है क्योंकि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष परिणाम से डरती है। और वहीं इसके साथ ही यशवंत सिन्हा ने चुनाव आयोग और राज्यसभा के महासचिव जो कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनसे यहां पर निष्पक्ष जांच की मांग करती है। ये यहां पर यशवंत सिन्हा ने भाजपा पर लगाया है विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, यूपी के बरेली में मीट की दुकानें बंद कराने पर हुआ है जबरदस्त बवाल, बीजेपी नेता पर तलवार से हमला। खबर आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में मीट की दुकानें बंद कराने को लेकर के बवाल हो गया है। नगर निगम की टीम मीट की दुकानें बंद कराने पहुंची थी, इस दौरान कई लोगों ने टीम का विरोध करना शुरू कर दिया और वहीं यहां पर कुछ लोगों ने भाजपा के नेता पर तलवार से हमला कर दिया। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें,
आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को जारी कर दिया है नोटिस। क्या कुछ है पूरा मामला खबर बताते चलें। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर अवमानना का आरोप लगाते हुए एक नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से 5 दिन के भीतर जवाब तलब किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा है कि उसके आदेश का पालन हुआ है या फिर नहीं। आपको बता दें कि कोर्ट ने आजम खान की जमानत के लिए जौहर यूनिवर्सिटी से सटी भूमि कुर्क करने पर सशर्त रोक लगाई थी। और वहीं बताते चलें, इस पर आजम खान की तरफ से शिकायत लगाई गई है कि कोर्ट स्टे ऑर्डर के बावजूद जमीन से फेंसिंग नहीं हटाने के चलते यूनिवर्सिटी का कामकाज प्रभावित हो रहा है और योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट तक के सुनने को तैयार नहीं है और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का यह पूरा मामला बनता है, इसलिए योगी सरकार पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। ये यहां पर पूरा मामला है दोस्तों। और आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को जारी कर दिया है नोटिस। इस बीच एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। असंसदीय शब्दों पर घिरी है केंद्र की मोदी सरकार। राहुल गांधी महुआ मोइत्रा का तंज। प्रियंका ने पूछा किसानों को किसने कहा था आंदोलनजीवी। और वहीं बैकफुट पर है केंद्र सरकार। संसद के दोनों ही सदनों लोकसभा और राज्यसभा में शब्दों के इस्तेमाल को लेकर के जारी की गई नई गाइडलाइन को लेकर के जो अंदेशा लगाया जा रहा था वो सही साबित होने लगा है। उम्मीद थी कि सरकार के द्वारा जिन शब्दों के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है उस पर बवाल होना तय है, ऐसा ही कुछ अब होता हुआ भी दिख रहा है। नई गाइडलाइन सामने आने के बाद अब विपक्ष एक बार फिर से सरकार पर हमलावर हो गया है। और वहीं बताते चलें, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से लेकर के टीएमसी के नेताओं ने इस पर अपनी नाराजगी जताई है। पूरे मामले पर कांग्रेस का कहना है कि जुमला जीवी से किसको डर होगा जिसने जुमले दिए हों, जयचंद शब्द से कौन डरेगा जिसने देश से धोखा किया हो। ये संसद में शब्द बैन नहीं हो रहे हैं, पीएम मोदी का डर बाहर आ रहा है। और वहीं प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि सरकार की मंशा है कि जब वो भ्रष्टाचार करे तो उसे भ्रष्ट नहीं भ्रष्टाचार को मास्टर स्ट्रोक बोला जाए। 2 करोड़ रोजगार, किसानों की आय दोगुनी जैसे जुमले फेंके तो उसे जुमला जीवी नहीं थैंक यू बोला जाए। और वहीं राहुल गांधी ने संसद में भ्रष्ट जुमला जीवी जैसे शब्दों पर बैन को लेकर के मोदी सरकार पर तंज कसते हुए लिखा है कि नए भारत के लिए नया शब्दकोश। ये यहाँ पर दोस्तों, इस पूरे मामले ने अब तूल पकड़ लिया है और केंद्र की सरकार चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है इस पूरे मामले को लेकर के। इस बीच एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें दोस्तों। मानसून सत्र से कांग्रेस उठाएगी अग्निपथ स्कीम, चीन का मुद्दा, बेरोजगारी, हेट स्पीच जैसे मुद्दे बैठक में बनी है रणनीति। खबर आप लोगों को बताते चलें, मानसून सत्र से पहले कांग्रेस ने अपनी संसदीय रणनीति समिति की बैठक बुलाई है जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी ने की है। बैठक में शामिल होने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे और करीब 1 घंटे तक चली बैठक में केंद्र को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की रणनीति बनाई गई है। इन नेताओं में जयराम रमेश, पी चिदम्बरम, केसी वेणुगोपाल, शक्ति सिंह गोहिल, मल्लिकार्जुन खड़गे, मनीष तिवारी जैसे कई नेता यहां पर शामिल रहे। बैठक में पार्टी ने यह तय किया है कि एलपीजी के बढ़ते दामों, अग्निपथ स्कीम, चीन का मुद्दा, बेरोजगारी, संघीय ढांचे पर हो रहे लगातार हमले और रुपए की लगातार गिरती कीमत, हेट स्पीच जैसे मुद्दे दोनों ही सदनों में जबरदस्त तरीके से उठाए जाएंगे, जिनमें किसानों की एमएसपी का मुद्दा भी शामिल रहेगा। और इसके साथ ही अल्पसंख्यकों पर हो रहे लगातार अत्याचार का मुद्दा भी कांग्रेस पार्टी संसद में उठाएगी। और वहीं हाल ही में जिस तरह ईडी की मदद से विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई हो रही है उसको भी यहाँ पर पार्टी सदन में उठाएगी और इसका विरोध करेगी। ये यहाँ पर मानसून सत्र में कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार को घेरने की कर रखी है तैयारी। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। रुपया सिर्फ मुद्रा नहीं है, राष्ट्र का आत्मसम्मान है। वरुण गांधी की आरबीआई से रसातल में जाते हुए रुपए को बचाने की अपील। खबर आप लोगों को बताते चले, पीलीभीत के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के नेता वरुण गांधी ने डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती हुई लगातार कीमत को लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई से इसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने का अनुरोध किया है। इस दौरान वरुण गांधी ने कहा है कि रुपया सिर्फ मुद्रा नहीं है, यह राष्ट्र का आत्मसम्मान है। आपको बता दें कि वरुण गांधी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सक्रिय रहते हैं और बेरोजगारी, महंगाई जैसे जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के अपनी सरकार को अक्सर निशाना
यहाँ पर बनाते रहते हैं। और इसी क्रम में अब यहाँ पर वरुण गांधी ने आरबीआई से रसातल में जाते हुए रुपए को बचाने की अपील की है। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष के साथ नहीं है हेमंत सोरेन, जेएमएम के प्रमुख ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का किया है ऐलान। खबर बताते चलें, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। ऐसे में एनडीए की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू गोवा पहुंची, जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत समेत तमाम विधायकों से मुलाकात की और चुनाव के लिए समर्थन मांगा। इस बीच झारखंड से खबर आ रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया है। दरअसल कुछ वक्त पहले द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड की यात्रा की थी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झामुमो के प्रमुख शिबू सोरेन से मुलाकात की थी और उनसे चुनाव के लिए समर्थन मांगा था। और वहीं अब खबर आ रही है कि झामुमो ने राष्ट्रपति चुनाव में अपना समर्थन एनडीए की आदिवासी महिला उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को देने का ऐलान किया है। यहाँ पर इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं यू एंड वीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।